बरेली में एक महिला को जिला पंचायत सदस्य के भाई ने गोली मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य को हिरासत में ले लिया। महिला का उपचार चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। थाना सुभाष नगर के विश्वनाथपुरम में नथुलाल गोस्वामी की पत्नी 65 वर्षीय कमला देवी रहती हैं। विश्वनाथपुरम में ही उनके भतीजे विनीत की उनके घर के पास मोबाइल की दुकान है। जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव भी वहीं रहते हैं। महिला के बेटे ने बताया कि उनके ममेरे भाई के जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव के भाई अक्षय श्रीवास्तव पर 200 रुपये आ रहे थे, जिसे आज विनीत ने उससे मांग लिया। इस दौरान दोनों का झगड़ा हो गया। कमला देवी झगड़ा होता देख बीच बचाव करने पहुंच गई। इस दौरान अक्षय ने अपने रिवॉल्वर से उनके गोली मार दी। गोली उनके मुंह और दांतों को फाड़ती हुई फंस गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया है। आरोपी अक्षय मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हो ज्ञानेंद्र? मैं विश्वनाथपुरम कॉलोनी बरेली रहता हूँ, तहसील बरेली, जिला बरेली। थाना सुभाष नगर। ये कौन है? कौन है ये? ये हमारी मम्मी है, माँ है, हम इनके बेटे हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कमला देवी। सामने देखो, क्या हुआ पूरी बात बताओ। इनकी घटना ये हुई है कि इनकी गोली मारी गई है। किसने मारी गोली? जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र श्रीवास्तव के भाई ने। क्यों मारी, वजह क्या रहा? वजह ये हुई थी, लड़ाई किसी और के साथ हुई थी और हमारी माँ की गोली लगी थी। और लड़ाई जिससे हुई थी उसका नाम विनीत गोस्वामी है, और पैसों के चक्कर में हुई थी। मोबाइल का जो पैसा बना था, उसकी मेहनत का, वो मेहनताना मांग रहा था, उसी बात विवाद हुआ है। और इसी वजह से गोली का छर्रा जो गोली मारने को था, वो गोली मेरी माँ के लगी है। अच्छा, मार किसी और के रहा था? लगा और मार रहा था, वो मेरी माँ के लगी है। आपकी बताऊँ कितने बजे की घटना है? कब? ये 10 से और 10:15 से 10 के बीच की बात। पकड़ गया गोली चलाने वाला? जो गोली चलाने वाला था वो फरार है, और सत्येंद्र जो है वो थाने में जाकर वहाँ से वो भी छोड़ दिया गया है। क्या नाम है आपका? अर्चना। अच्छा, क्या हुआ था, क्या मामला है? उन्होंने क्या बोलते, हमारी दादी को गोली मारी थी, और मुझे तो ये लगता है जानबूझ के ही मारी, क्योंकि उनसे पहले भी हाथापाई हो चुकी है। और उन्होंने एक बार हमारे पापा को ये भी बोला था कि तुम्हारी जीप खींच लेंगे तुम्हें, जान से मार देंगे। और यहाँ तक सत्येंद्र ने एक बार मेरे पर हाथ भी उठाया। मेरी मम्मी ने उन्हें मारा था, लेकिन वो बच गए। उन्होंने कहा अपनी लड़की को समझा लेना, और मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया था, लेकिन तब मैं बच गई। सब मुझे सब लोगों ने बचा लिया, मेरे पापा घर पे नहीं थे। उन्होंने मुझे 2-3 बार धमकी दी है कि तुम्हें किसी से मारेंगे पकड़ के। और ये एक बार की बात नहीं, यहाँ पार्किंग चलाते हैं हम लोग, हमारे पापा घर पे नहीं रहते, हम ही लोग रहते हैं, तो ये लोग हमें कितनी बार मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं तुम लोग पैसे बहुत मांगते हो, जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो हम पैसे नहीं मांगेंगे। इसी बात पे वो हमें धमकी देते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। देखो, पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी रंजिश है इसी बात पे, क्योंकि हम इनसे पैसे मांगते हैं गाड़ी पार्किंग के, तो ये पार्किंग के पैसे नहीं देते हैं। इसी वजह से ये लोग हमसे हमेशा धमका के रखते हैं। 2-3 बार मेरे पे हाथ उठाया है, और अब मैं ये सब बोल रही हूँ। अब ये सब सत्येंद्र को पता चलेगा तो वो मुझे फिर मारने की कोशिश करेगा, अगर छूट गया तो।